हेलो एवरीवन, आज हम जर्नल एंट्रीज का बहुत ही बेस्ट टॉपिक हम सीखने जा रहे हैं कि जिन लोगों को जर्नल एंट्रीज गोल्डन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको समझ में नहीं आती हैं, तो आप इस मेथड के साथ आप जर्नल एंट्रीज बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से मैं आपको बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप बहुत ध्यान से पहले आप क्या करिए कि आप पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि बिना पेन और कॉपी का आपका इसमें नहीं होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप इसको खाली सुनेंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, तो आप क्या करिए पेन और कॉपी लीजिए। ठीक है, और पेन और कॉपी लेके क्या करिए, आप एक पेज पे प्लेन पेज पे आप एक बीच में फ्रंट लाइन खींच दें। ठीक है, तो आपने आप जैसे कर लेते हैं, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करना शुरू करता हूँ, आई होप सो आपने कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि जो इस साइड पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे आप लिख लीजिए फेवरेबल बैलेंस, और इस तरफ एक साइड पे लिख लीजिए अनफेवरेबल बैलेंस। आपने दो कैटेगरी बना ली होंगी, फेवरेबल बैलेंस एंड अनफेवरेबल बैलेंस का बना लिया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम एंड गेंस और प्रॉफिट एंड लॉस और ये बहुत सारी चीजें हैं, तो इन सबका आपको फेवरेबल बैलेंस पता होना चाहिए। अगर आपको फेवरेबल बैलेंस अनफेवरेबल बैलेंस नहीं पता कि क्या होता है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप आ जाइए इस साइड पे, मैं आपको कुछ नोट्स लिखवाऊंगा छोटे छोटे, उन नोट्स को आपको उन नोट्स के अकॉर्डिंग आपको जर्नल एंट्रीज फ्रेम कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखिए एसेट्स। तो एसेट्स का फेवरेबल बैलेंस होता है डेबिट, तो एसेट्स लिखिए और एसेट्स के साइड में आप लिखिए डेबिट, फेवरेबल बैलेंस के अंदर ही रहेगा, तो एसेट्स के सामने लिखिए डेबिट। ठीक, फिर उसके बाद लिखिए लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के सामने कैरो बनाइए छोटा सा और उसके सामने लिखिए क्रेडिट। ठीक है, तो ये आपके हो गए। ठीक है, और जितने भी एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं उनके सामने आप लिखिए डेबिट। क्या लिखेंगे? डेबिट। ठीक, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। ठीक है, एंड उसके नीचे कैटेगरी बनाइए जिसमें लिखिए इनकम एंड गेन्स। क्या लिखेंगे? इनकम एंड गेन्स। जितने भी इनकम एंड गेन्स हैं वो क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। तो आई होप सो आपने लिख लिया होगा कि एसेट्स, आई होप सो आपको एसेट्स पता है कि क्या क्या होते हैं। मैं फिर भी एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारी क्या है? एसेट्स हैं। लायबिलिटीज का मैं भी एग्जांपल दे देता हूँ। तो लायबिलिटीज का हमारा जो हमारी लायबिलिटीज हैं, लाइक हमारी लोन हो गया, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, बोरोइंग्स, तो ये सब हमारे क्या आ जाते हैं? लायबिलिटीज में आ जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा चले जाते हैं इधर। तो अब हम हमने फेवरेबल बैलेंस और अनफेवरेबल बैलेंस समझ लिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, जर्नल एंट्रीज को सॉल्व करने के लिए हमें एक चीज और छोटी सी चीज समझनी होगी, वो क्या है आप उसको नोट करेंगे। ठीक है, देखिए कि अगर किसी एसेट्स में इंक्रीज होता है, ठीक है, तो अगर किसी में एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अगर किसी भी एसेट्स में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट उसको डेबिट करेंगे, राइट। ठीक, अगर लाइबिलिटीज में अगर हमारा इंक्रीज होता है तो हम हमेशा क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अगर एक्सपेंसेस में इंक्रीज होता है तो हम डेबिट करेंगे, और अगर हमारा इनकम एंड गेन्स में इंक्रीज होता है तो हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, मतलब अगर हम कुछ भी इन सब चीजों में अगर ऐसा इंक्रीज हो रहा है तो हम हमेशा उसको डेबिट करेंगे। इतना आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर मान लीजिए कि एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, लायबिलिटीज में इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, ठीक, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट, अगर हमारा इनकम एंड गेन्स में अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज रिवर्स हम समझेंगे कि अगर एसेट्स में हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटीज में हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, और हमारा इनकम एंड गेन्स में अगर हमारा डिक्रीज हो रहा है तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है, आई होप सबको बहुत ही क्लियर हो गया होगा कि जस्ट ऑपोजिट करना होता है। ठीक है, तो अब इसी फंडामेंटल पे ही हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप सो आपने इंक्रीज और डिक्रीज आपने लिख लिया होगा। तो हम फेवरेबल में इंक्रीज और डिक्रीज मैंने बता दिया कि अगर एसेट लायबिलिटीज इंक्रीज डिक्रीज होती तो ये हमने क्या क्या करना है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सिंपली जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है, जर्नल एंट्रीज हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए सिंपल सी जर्नल एंट्री लेते हैं कि मान लीजिए कि हमने गुड्स को सेल किया। क्या किया? गुड्स को सेल किया। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास जब मैंने गुड्स सेल किया होगा तो हमारे पास कैश आया होगा। क्या आया होगा? कैश आया होगा। तो कैश हमारा
बिजनेस में अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास बिजनेस में पहले से कैश है, ठीक है, तो कैश हमारे पास और आया तो कैश में इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब पहले से कैश, यार ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन ही बेच रहा हूँ, कुछ ना कुछ पैसा ऑलरेडी। कुछ और एग्जांपल्स बताना चाहता हूँ कि जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि हम गुड्स को परचेज करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं, तो गुड्स हमारे गुड्स मान लीजिए परचेज किया, ठीक है, तो गुड्स क्या हुए हमारे पास आए, तो इंक्रीज इन एसेट्स हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज इन एसेट्स मैंने जैसे फॉर्मूला में सीखा था कि हम उसको डेबिट करते हैं, ठीक है। कैश हमारा एक दूसरा एसेट्स है, कैश जो कि जा रहा है, ठीक है, तो एक एसेट्स में इंक्रीज हो रहा है, गुड्स में इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और कैश हमारे पास से जा रहा है तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो आप ये देख रहे होंगे कि एक एसेट्स में इंक्रीज होने पे डेबिट कर रहे हैं और दूसरी एसेट्स के जाने पे हम उसको जो हमारे पास से कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, उसको हम डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो गया। मैं आपको दूसरा एक और एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि हम रेंट पे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब रेंट पे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस में इंक्रीज हो रहा है। मैंने क्या बताया था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मेरा इंक्रीज होता है तो हम उसको डेबिट करेंगे, फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का डेबिट होता है। तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट हमने डेबिट कर दिया, और चूंकि देख रहे हैं कैश एसेट मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है तो एक डिक्रीज इन एसेट हो रहा है, तो डिक्रीज इन एसेट्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, सैलरी पे किया तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो एक्सपेंस एंड लॉसेस में इंक्रीज हो रहा है, मतलब खर्चे हमारे बढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है, हम सैलरी पे कर रहे हैं तो एक्सपेंसेस लॉसेस इंक्रीज हुआ तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। और कैश हमारे पास से जा रहा है क्योंकि हमारा डिक्रीज इन अनदर एसेट है तो हम उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो आई होप सब कॉम्बिनेशन समझ रहे होंगे कि कोई चीज इंक्रीज हो रही या डिक्रीज हो रही है तो उससे आपको कैसे समझ में आएगा। तो इसी सिंपल फॉर्मूले से समझ में आएगा। मैं आपको एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ कि आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। मान लीजिए कि हमने बिजनेस से कैपिटल विड्रॉ कर लिया, क्या कर लिया, कैपिटल विड्रॉ कर लिया, कैपिटल निकाल लिया, ठीक है। तो ये बताइए कि कैपिटल का फेवरेबल बैलेंस क्या था, क्रेडिट, बट अभी क्या हो रहा है कि कैपिटल जा रही है, मतलब हमारा उसका कैपिटल में डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो कैपिटल जब फेवरेबल बैलेंस था तो क्रेडिट थी, बट अब क्या हो रहा है, कैपिटल जा रही है तो मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, मतलब कैपिटल निकाली जा रही है वहां से, तो हम कैपिटल को डेबिट कर दें। इंक्रीज इन कैपिटल मैंने क्या बताया था, क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल क्या हो जाएगा, डेबिट। तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है, राइट, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और क्या जा रहा है, कैश, ठीक, कैश जा रहा है तो कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। बोलो राइट, आपको क्लियर हो कि हमारा कैश जा रहा है, या आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आई होप सो इतने से आपको बहुत क्लियर हो गया होगा और ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत इंटरेस्टिंग थी, गोल्डन रूल्स का बिल्कुल भी इसमें इशू नहीं था ही नहीं, ऑब्वियस है गोल्डन रूल, और ये आप बहुत ही इसको सिंपली समझ सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज फेवरेबल और अनफेवरेबल मेथड के अकॉर्डिंग। अनफेवरेबल और अनफेवरेबल बस समझने के लिए आपको इसलिए जरूरत है कि जब आप इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे होते हैं तो उस समय आपको ये समझना जरूरी है कि वो एसेट या लायबिलिटी या कोई व्हाटएवर जो भी था उसका फेवरेबल बैलेंस क्या होता है और अनफेवरेबल बैलेंस क्या होता है। अनफेवरेबल का मतलब ये समझ सकते हैं कि वो चीज बिजनेस से जा रही है या कम हो रही है, ठीक है। तो अगर फेवरेबल है तो इंक्रीज, अगर अनफेवरेबल है तो डिक्रीज। आई होप सबको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। हम आगे इस तरह की और वीडियो लेके आएंगे। थैंक यू।